ग्रेट रिस्पॉन्स। जहाँ तक छुट्टा था वहाँ सकते हो डेफिनेटली था कि सीजन टू इज गोइंग टू कम, सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द सीजन टू। आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे अबाउट सीजन टू? आई थिंक ये सीज़न टू बहुत लकी है, क्योंकि सीज़न टू का जब से हमने ये पार्ट टू एक्चुअली हम कहेंगे में जब अनाउंस किया है, तो शोभिता जी कहीं से दुनिया के कोई भी कोने में होते हैं वो वापस आ जाते हैं हमारे साथ टाइम बिताने के लिए। सो दैट्स अ बेस्ट थिंग अबाउट अबाउट पार्ट टू। नहीं बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये कहानी अधूरी थी, बहुत सारे पत्ते अभी खुलने बाकी है, और स्पेशली कावेरी के कैरेक्टर के बारे में आई थिंक बहुत लोगों ने पूछा है मुझे कि यू नो क्या है उसके राज, क्या छुपाया हुआ है। सो आई थिंक बस उसी के लिए भी अगर एक पार्ट टू होता तो इट वाज स्टिल वर्थ इट। आप कुछ बताना चाहो कावेरी का किरदार जो सीजन टू में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो पीपल के रिस्पांस? मैं एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ। द सिंपल फैक्ट दैट पार्ट वन में बहुत सारे ऐसे प्लॉट पॉइंट्स हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं, बट इट इज़ इन द सेकेंड पार्ट दैट इट ऑल ब्लूम्स। सो देर इज़ आई एम वेरी क्यूरियस फॉर पीपल टू इन्जॉय दैट राइड, एक्सपीरियंस दैट राइड, नॉट जस्ट कावेरी बट शान, शेली, एवरी कैरेक्टर आई थिंक गोज थ्रू अ लॉट ऑफ हाइज एंड लोज, एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ द नाइट मैनेजर इज मच मोर एक्शन पैक्ड, सो देर इज़ अ लॉट टू ऑफर। वही तो सस्पेंस है। 23 आई थिंक ये आपको कहानी क्या होगी उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कितने हिस्से में आएगा उसमें क्या। मेरे ख्याल से आप लोग एंजॉय करेंगे, एज शोभिता ने कहा कि इट्स धमाकेदार है, मसालेदार है, और जो भी कहे ना कि जो वादे किए हैं पार्ट वन ने वो सब निभाने हैं इसमें। सो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, यू नो अगर आपकी सीट से उसमें बेल्ट अगर आपको डालना डाल दीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी अ राइड। आप ऐसा मत बोलिए, बहुत मेहनत हुआ है म्यूजिक पे, बहुत खर्च किया इन्होंने और बहुत पैसे भी। मैं हमने हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सैम सीएस चेन्नई से हैं, आई थिंक हमने इतनी ट्रिप्स की हैं चेन्नई में कि वहाँ पे मेरा और एक घर बन सकता है शायद होटल बिल्स पे। नहीं पर बहुत मेहनत हुई है और हर डिपार्टमेंट से हुई है। आई विल से एक्चुअली हम मैं नहीं कहूँगा कि आपको पहले पार्ट में ड्रामा कम था, या मैं किसी तुलना नहीं कर रहा, पर मुझे ये लग रहा है कि जो ज़रूरत था उस कहानी को वो हम सब ने जितना दे सकते हैं दिया है, चाहे वो परफॉर्मर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप कहे। सो हर एक ने अपना कहे तो पार्ट वन था पर दिया हमने 200% ही है हर पार्ट के लिए। तो या इट्स एन इंटरेस्टिंग डांस बिटवीन द टू मैन। इट्स लाइक आई थिंक इट्स नॉट सो मच ऑफ अ चॉइस ऑफ what she wants to do or where she's going or with who she's going to land up. I think it has to do with how it's going to play out. Jo, in a way, this love triangle, like a lot of people have been commenting on it, saying what is this love triangle, you know, there's a lot of undercurrent in her relationship with Shan and Shelley. मुझे ज़्यादा बोलना नहीं, बिकॉज ट्रेलर में आपने काफ़ी कुछ देखा। मैं ऐसे पैर मार रहा हूँ उसे कि मत बोलो ज़्यादा। नहीं, आपको देखना है ये। आई थिंक कहे तो कहानी का सबसे सेंट्रल पार्ट कहे तो ये रोमांस ही है, यू नो, ये कहे तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन था इवन बिटवीन शेली एंड कावेरी। और आप देखेंगे जैसे अभी ये नया
नया पहलू आने वाला है, एंड यू सी कैसे एक नया एंगल आता है, एक नया आर्क आता है बिटवीन कावेरी एंड शान. तो ये जो डायनामिक्स बनने वाला है, आई थिंक इसी के ऊपर पूरा शो एक्चुअली यू नो खड़ा है उस पर. बहुत सारे ऐसे हाई पॉइंट्स हैं सेकेंड पार्ट में, जो आई थिंक फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एक आइडिया होता है कि दिस इज़ द डायरेक्शन मे बी, बट द वे इट हैपन्स इज फुल स्टाइल. इट्स आई एम सुपर एक्साइटेड. आई थिंक मैंने तो अपने एक यहाँ पे एक पेपर नहीं लाया, मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबकी कहानी छोटी छोटी चिट लिख के रखी है. जैसे अगर ये भी अगर पार्ट, जैसे पार्ट वन इतना आप लोगों ने प्यार दिया, इट वर्कड आउट, तो हम पार्ट टू लेकर आए हैं. और अगर पार्ट टू में भी इतना प्यार मिलेगा, यू नो स्काई इज़ द लिमिट, क्या पता यू नो. ये कैरेक्टर्स कहते हैं ना, कहानी ख़त्म होती है, कैरेक्टर्स जिंदा रहते हैं. सो इंशाल्लाह वी होप इट वर्क्स आउट. Reason for finding, I have been very fortunate, sir, that actually in the last few years I've had a chance to be a part of successful films. So kahin na kahin ye lagta hai ki maybe I'm making choices which people are connecting to, and somewhere I'm grounded to reality, and I'm making choices which people are enjoying, relating to, or celebrating. Be it a film or a show, I think I'm fortunate more than anything. And I think it also boils down to just the choices you make in the projects you choose, and the faith with which you move within those projects. So, just I guess I'm lucky. देखिए ये एक्चुअली एक किताब है, ये बहुत ही कहें तो बेस्ट सेलर बुक है, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर की, जॉन लकारे साहब. ही पास्ट अवे जब हम ये बना रहे थे, उनकी फैमिली एक्चुअली इसकी प्रोड्यूसर्स है इस शो की. तो टाइटल नाइट मैनेजर तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन था. हमें लग रहा था कि क्या रखे, बहुत हम लोग ने आई थिंक दो साल वी ऑलमोस्ट डिस्कस्ड अलग अलग टाइटल. और होता था कि मैं ऐसा प्रस्ताव भी रखता था और यहाँ पे शोभिता का हाँ प्रोटेस्ट कि नो नहीं नहीं जम रहा है ये. आई थिंक या इवेंचुअली आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्ड. हमें लगा कि इसे नाइट मैनेजर ही क्यों ना कहे, यू नो इट इज़ जस्ट लाइक ये सोर्स मटेरियल से ऊपर बेस्ड है. एंड समवेयर जैसे आप कह रहे थे, देयर मे बी अ शो लाइक एन इंग्लिश शो, बट दिस हैज़ बीन अडेप्टेड टू द इंडियन मिल्यू, टू द इंडियन sentiment, that environment, yeah. And I think the idea was also to sort of honor the book and the writer where it all started. ये कहानी एक ही है. अगर आपको मैं कहूँ कि जब मेरे वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स विशाल भारद्वाज साहब जब वो फिल्म बनाते हैं, तो वो शेक्सपियर की कहानी का शुरुआत, अंत, मध्य, वो सब वही होता है. पर मज़ा वही आता है कि हम देखते हैं कि वो कैसे उनको ये पिरोते हैं अपने अपने देश की मिट्टी के साथ. तो हम यही कहेंगे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी होगा, और जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो भी होगा. आई थिंक शोभिता, क्योंकि वो सीनियर है मुझसे इस मामले में शोज में, शोभिता शुड आंसर दिस. I don't know as an actor if I should be so analytical. Somewhere
मुझे लगता है कि जब एक ऑनेस्टी होती है या इफ अ कैरेक्टर इज़ वल्नरेबल और सेंसिटिव और देर इज़ व्हेन यू रूट फॉर द जर्नी ऑफ अ कैरेक्टर वेदर इट्स गुड और बैड यू जस्ट वॉन्ट टू वॉच देम गो थ्रू दैट जर्नी दैट्स अ कैरेक्टर पीपल वॉन्ट टू वॉच सो एज एन एक्टर आई फील आई वॉन्ट टू डू दोज काइंड ऑफ पार्ट्स जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे माई आइडिया इज दैट हस्बैंड शैली हस्बैंड लगता है दैट्स हाउ पीपल फील अबाउट अच्छा ये ऐसा है कि आई थिंक अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन बने हैं अच्छा है सब कुछ पार्ट टू में पता चलेगा सब कुछ पार्ट टू में कावेरी एंड शैली एंड दे लिव देयर लाइफ टुगेदर एंड इट इज़ अ वेरी लाइक दे वेरी अटैच टू ईच अदर एक उसमें एक डेप्थ है एंड दे लिव इन द सेम होम शी इज़ अटैच टू शैली सन फ्रॉम अ प्रीवियस मैरिज बट what happens when a wild card entry comes in or kya how it shakes the system is something you really get to see in the second part and it's quite exciting to be honest because I think we love watching relationship dramas play out so yeah thank you guys thank you